स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन हम नमक के ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान दबा दें ताकि आपसे हमारे वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक यानी कि पहाड़ी नमक, समुद्री नमक यानी कि सी सॉल्ट, काला नमक, सामान्य नमक आदि। लेकिन नमक के अचूक टोटके बताने से पहले आपको कुछ जरूरी सावधानियां और सलाह दे दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह बीमारी और दुख का कारण बन सकता है। नमक को किसी प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के बर्तन में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर होते हैं। खाना बनाते समय भोजन को चखे नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और गरीबी आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दीजिएगा। भगवान को भोजन और नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट देने से भी बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। और अब नमक से जुड़े कुछ अचूक टोटके गरीबी दूर करने के लिए। हफ्ते में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत नमक यानी कि समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से घर की नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। धन का बहाव बनाए रखने के लिए, घर में धन का बहाव बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। बाथरूम और टॉयलेट दोष से मुक्ति के लिए, नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला केमिकल है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक यानी कि समुद्री नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है। हर महीने कटोरी का नमक बदल लें, पुराने नमक को फेंक दें। टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक भरकर रखें। 15 दिन बाद बदल दें, पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो उसके दरवाजे पर रोरिंग लॉयन यानी कि दहाड़ते हुए शेर का फोटो चिपका दें। नजर उतारने के लिए, यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते हुए पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा यानी कि पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय यानी कि टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दें, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। वास्तु दोष मिटाने के लिए, मिला जुला वास्तु दोष हो जिसे आप बदल नहीं सकते और जिसके कारण मन में उदासी, डर और चिंता हो रही हो, तो दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर ना फेंकें। धन पाने और बरकत के लिए, नमक को कांच के बर्तन में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहेगी। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी भी नहीं होगी। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। एक खास बात कि बीमारी से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। इसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों,
इस वीडियो का टारगेट हमने 1,00,000 लाइक्स रखा है, तो देर किस बात की, दबाइए लाइक का बटन। और हाँ, अपने सुझाव और समस्या हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, हमारे ऐप को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें।